आपका IBN 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लखी मुंजो लखन में, जी हाँ ये उस मूवी का नाम है जिसे दिखाने के लिए जेल रोड झूलेलाल व्यापारी एसोसिएशन ने एक स्पेशल मेटिनी शो 20 अप्रैल गुरुवार को आईनॉक्स सपना संगीता टॉकीज में करवाया था। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि ये सिंधी भाषा में बनी हुई है। इस स्पेशल मेटिनी शो को कराने में समन्वयक की भूमिका निभाई है जेल रोड झूलेलाल व्यापारी एसोसिएशन ने, जिसकी कार्यकारिणी में अध्यक्ष दिलीप माटा, कार्यकारी अध्यक्ष महेश पंजवानी, उपाध्यक्ष मनीष भाटिया, सहसचिव कमल वाधवानी ने मुख्य भूमिका निभाई। मेटिनी शो को कराने का मुख्य उद्देश्य सिंधी समाज के हर वर्ग को इस मूवी को दिखाना था, जिससे कि युवा पीढ़ी अपने घर व समाज में माता पिता के मान सम्मान व आदर की बात को समझे। मुख्यतः इस मूवी की कहानी में यह समझाया गया है कि किस तरह माता पिता ने अपने तीनों पुत्रों की परवरिश की तो एक जैसी ही की, किंतु बड़े दो पुत्रों द्वारा अपने माता पिता का तिरस्कार किया गया है। कहानी के अंत में क्लाइमेक्स में जब वह दोनों पुत्र अपनी गलती को मानकर ये समझ जाते हैं कि परिवार माँ बाप के साथ ही होता है, वह अपने माता पिता के साथ रहने लग जाते हैं और इस तरह फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता है। फिल्म को देखने आए हुए कुछ बुजुर्गों ने यह भी कहा कि आज जिस तरह हमारे सिंधी परिवार में सिंधी भाषा लुप्त होती जा रही है, तो इस तरह की फिल्मों के बनने से आने वाली पीढ़ी इस भाषा से जुड़ी रहेगी। मूवी को देखने आए हुए दर्शकों ने इसे काफ़ी सराहा और कहा कि ऐसी पारिवारिक मूवी को बार बार बनते रहना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी व समाज को एक अच्छी सीख मिल सके। IBN 9 न्यूज से जितिन भाटिया की रिपोर्ट। हम लोग सिंधी मूवी लखी मुंजो लखन के मैथिली शो पर आए हैं, जिसे आयोजित सिंधी व्यापारी एसोसिएशन जेल रोड द्वारा किया गया है। तो आइए हम जानते हैं इस मूवी में सिंधी समाज के जो दर्शकगण आए हैं, जो बुजुर्ग आए हैं, उन्हें इस मूवी के बारे में कहना। आइए दादा आप बताइए इस मूवी के बारे में आपको कहता है। बहुत अच्छी मूवी है, कोई मूवी बार बार और सिंधी समाज दिखाना चाहिए, जो भी समाज देखेगा और परिवार को जोड़ने का। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मूवी परिवार को जोड़ने का एक माध्यम है। आइए एक दूसरे गेस्ट पे हम बात करते हैं। दादा बताइए कहाँ थे आप? दादा मां मंसूर में आयो आया, मुझे स्टेडन मुखे इन पिक्चर से जो अचण के लिए मुझे ढो सुो लगो। मां खुद कोटन वेटन वालों आया, चाहिए कि आप पिक्चर कामयाब थे सभी दिसन इन में सबक सीखन इन अमल करें जिंदगी ठाई। कितनी अच्छी बात हुई कि इस मूवी को देख के परिवार में बात पे अमल करें कि किसी परिवार की एकता बनी रहे। आइए मेरे साथ हैं झिल्लोर के एक व्यापारी, हम उनसे इस बारे में बच्चे लेते हैं। सागर जी आप बताइए मूवी कैसी लगी? इनका भी यही कहना है कि समाज को बहुत अच्छा संदेश मिला है। आइए बात करते हैं रोहिड़ा जी, जो आपको इस मूवी के बारे में बताएंगे। जैसा कि ये बता रहे हैं कि माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, इस मूवी का मुख्य उद्देश्य अपने माँ बाप अपना दर्शक ने बताया कि हिंदी मूवी कम बनती है, समाज को इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर सिंधी कलाकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि समाज को ऐसी और मूवी देखने को मिले। जैसा कि देख रहे हैं फिल्म का इतना क्रेज है कि बहू सास पुत्र सब एक साथ आए, तो आइए ऐसे ही एक परिवार से मिलते हैं।
नमस्कार माता जी, हमें फिल्म के बारे में आपसे फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। फिल्म को आपको क्या संदेश अच्छा लगा? फिल्म में आपको ऐसा क्या संदेश है जो अच्छा लगा? बहुत संदेश अच्छा लगा, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि क्या व्यवहार करना चाहिए, ये फिल्म का संदेश है। हमारी दूसरी माता जी भी हैं, हम उनसे भी एक बार पूछेंगे। चलो, इतनी शानदार लगी, कुछ समझने की बातें बहुत ही थी, बहुत अच्छा। इनका कहना है फिल्म में बहुत गहन मैसेज था जो कि काफ़ी समझ में लाया। आइए, आज की युवा पीढ़ी जो अब बहू का रोल अदा कर रही है, ये भी एक चीज़ बताएंगे। जैसा कि आज की बहू समझ चुकी है कि सास और बहू दोनों को बना के चलनी चाहिए, इसी रूप में पुत्र का क्या व्यवहार होता है, ये हम एक युवा पीढ़ी से पूछेंगे। मूवी बहुत ही अच्छी लगी। ये मूवी ये संदेश देती है कि जीवन में माँ बाप एक बार ही मिलते हैं और माँ बाप की सेवा हमेशा करती रहनी चाहिए। आज की जो पीढ़ी चल रही है, जिस युग में चल रहे हैं हम, ये व्हाट्सएप वाली पीढ़ी है। सारे बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं और वो माँ बाप की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उनको ये सीख संस्कार मिलना चाहिए कि वो मोबाइल छोड़ के माँ बाप की सेवा करें, समय समय पे उनका ध्यान रखें। उनके माँ बाप ने उन्हें 25 साल तक पढ़ाया लिखाया, कमाने के लायक बनाया। बहुत ही उम्दा कहा है इन्होंने कि एक माता पिता को पुत्र तो तीन मिल जाते हैं, पर उन तीन पुत्रों को माता पिता एक मिलते हैं। तो सही बात है, हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, इतनी सफल मूवी का आयोजन फुल मैगनी शो गया है, जो कि विशेष रूप से जेलोड के झूलेलाल सिंधी व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कराया गया। आइए अब हम चलते हैं, झूलेलाल सिंधी व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी गण हैं वो बताएंगे इस मूवी को करने का क्या उद्देश्य था। आइए, हमारे साथ हैं इसके अध्यक्ष दिलीप माटा जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष महेश मजमानी जी, उपाध्यक्ष मनीष भाटिया जी, सचिव कमल जी। आइए हम उनसे एक बार अपना परिचय लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, इतनी सफल मूवी का आयोजन फुल मैगनी शो गया है, जो कि विशेष रूप से जेलोड के झूलेलाल सिंधी व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कराया गया। आइए अब हम चलते हैं, झूलेलाल सिंधी व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी गण हैं वो बताएंगे इस मूवी को करने का क्या उद्देश्य था। आइए, हमारे साथ हैं इसके अध्यक्ष दिलीप माटा जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष महेश मजमानी जी, उपाध्यक्ष मनीष भाटिया जी, सचिव कमल जी। आइए हम उनसे एक बार अपना परिचय लेते हैं। दिलीप जी, इस मूवी का जो आयोजन किया गया है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, झूलेलाल सिंधी व्यापारी एसोसिएशन जेलोड द्वारा, क्या मन में ख्याल आया था, कैसा ये विचार आया और ये मूवी के बारे में आपका ख्याल है? मैं माइक आपको दे रहा हूँ, आप इस चीज को समझाएं। जी, जय झूलेलाल। मेरा विचार ऐसा था कि सिंधी समाज में एक जागृति फैलाने के हिसाब से बहुत काफ़ी समय के बाद ऐसी अच्छी मूवी आई थी जो पारिवारिक थी। जिस तरीके से मूवी के अंदर एक इमोशनल सीन थे, माता पिता का सम्मान, माता पिता का तिरस्कार और उसको फिर कैसे बच्चे एक साथ हो जाते हैं, तो वो मैंने जब मूवी देखी 3-4 दिन पहले, तो मेरा विचार आया कि व्यापारी जो है सिंधी समाज में ज़्यादा है और वो क्या 6 बजे के आसपास उसको इस मूवी का आनंद ले नहीं पा रहे थे। तो हमारा सभी भाइयों का एक विचार हुआ कि हम झूलेलाल जेलोड एसोसिएशन राइट में एक ऐसा शो करें कि सभी लोग व्यापारी रात को फ्री हो जाते हैं। तो हमने एक नाइट शो इसीलिए रखा और जिस तरीके से ये मूवी आई और व्यापारियों को जिस हिसाब से सहयोग मिला, उसे हमको एक प्रोत्साहन मिला कि इस तरीके का कोई भी अगर इंदौर में इस तरीके से सिंधी समाज के लिए जागृति की कोई चीज़ आएगी तो हम उसके लिए पूरी टीम हमारी खड़ी रहेगी। और जिस तरीके से सभी लोगों ने हमको धन्यवाद बोला, उसका हमको बहुत अच्छा उत्साह लग रहा था। तो मेरा ऐसे यही था कि सिंधी मूवी लकी मुंजो लखन में ये तो आई थी बहुत दिनों बाद, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी और उसमें जो संदेश था वो काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए मैंने ये विचार आया कि सभी व्यापारी भाइयों को ये देखनी चाहिए और जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इसका प्रोत्साहन मिला। मैं आपसे एक बात और समझना चाहूँगा, जो फिल्म में ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है माता पिता और बच्चों द्वारा उनका व्यवहार, क्या ये हमारे समाज में है? जी जी, मैं आपको एक चीज़ बताया जाऊंगा कि जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है वो समाज में होता है तो ही दिखाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
सिंधी समाज में चाहे कोई से दूसरे समाज में इस तरीके की छोटी मोटी बातें होती रहती है जो इस पिक्चर में दिखाया गया, ये हर जगह ऐसा होता ही है। और मेरा यही कहना है कि संदेश इसमें जो पिक्चर में दिया गया है वो उससे कई सारे बच्चों को जो मॉडर्न जमाना है उनको जल्दी अच्छी सीख मिलेगी कि माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए। बड़ी अच्छी पारिवारिक मूवी थी और इस मूवी में ये संदेश मिलता है कि हर सास ससुर को अपनी बहू को बेटी समान ही दर्जा देना चाहिए और हर बहू को अपने सास ससुर को माता पिता समझ के उनका आदर करना चाहिए। धन्यवाद। इनका भी यही कहना है कि यह पिक्चर जो है समाज में चलते हुए एक दर्पण को दिखा रही है, पर चूंकि इसमें एक अच्छा मैसेज है तो हम भी उम्मीद करेंगे कि यह समय समाज और अन्य वर्गों को हर सब लोगों को समझ आए ताकि वो अपने माता पिता से गलती से भी कोई गलत व्यवहार न कर पाए। जीतू भाटिया, आईवी न्यूज़, इंदौर से इस मूवी के लिए स्पेशल कवरेज, मेकनी शो की लाइव कवरेज की हम कवरेज समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।